out again. Redskins. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आप अपना पॉडकास्ट कैसे बना सकते हो, कैसे फ्री में उसको होस्ट कर सकते हो, किस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो पॉडकास्ट बहुत टाइप का होता है। इंटरव्यू पॉडकास्ट होता है, कन्वर्सेशनल पॉडकास्ट होता है, एजुकेशनल पॉडकास्ट होता है, बिजनेस पॉडकास्ट होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पॉडकास्ट क्रिएट करना चाहते हो। ऑलराइट, तो अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो सिंपल सा आप एक माइक खरीद सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा एक बोया का माइक आता है, ठीक है, और ये माइक काफी सस्ता मिल जाएगा आपको। राइट, तो इससे क्या होगा कि आपका जो वॉइस है वो क्लियर आएगा सबसे पहले, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर आपको फ्री में ऐसा होस्ट करना है अपना पॉडकास्ट को, तो सबसे पहले आपको एक पॉडकास्ट क्रिएट करना होगा, चाहे वो कन्वर्सेशनल हो गया या फिर आप सेल्फ पॉडकास्ट कर रहे हो, खुद से बातें कर रहे हो और लोगों को बताना चाह रहे हो अपने थॉट प्रोसेस को, अपने सोच को, देन आपको सबसे पहले इसको रिकॉर्ड करना होगा, उसके ऑडियो को फिर एक्सपोर्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर आप अपलोड करते हो, देन वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे गूगल पॉडकास्ट हो गया, एप्पल पॉडकास्ट हो गया, आपका स्पॉटिफाई हो गया, इन सभी चीजों पे एब्सोल्युटली फ्री पे होस्ट कर देगा, मतलब कोई पैसे आपके नहीं लगेंगे। यानी अगर आपका पॉडकास्ट होता है, लेट्स सपोज द नीरज शो, ऑलराइट, तो द नीरज शो पॉडकास्ट आपने बनाया, पहला एपिसोड बनाया, उसके बाद आपने अपलोड किया, तो उसके कारण क्या होगा, द नीरज शो आपके स्पॉटिफाई पे भी आएगा, एप्पल पॉडकास्ट पे आएगा, आपके गूगल पॉडकास्ट पे आएगा, और जितने भी होते हैं पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म्स, तो उन सभी जगहों पे द नीरज शो आ जाएगा। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, और उनके जितने भी एपिसोड्स हैं, जैसे आप अपलोड करोगे वो स्लोली उस पे अपडेट हो जाएगा। राइट, तो बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एंकर प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। एंकर प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई के द्वारा ये आपको देखने को मिलता है, एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने पॉडकास्ट को होस्ट कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है, इसमें कोई पैसे आपके नहीं लग जाएंगे। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसा मैंने अपनी वीडियोस में कहा था, कि इससे आप एक बार अपलोड कर दोगे, अपने एपिसोड्स को अपलोड कर दोगे, उसके बाद ये हर जगह पे आपका होस्ट कर देगा, आपके जो भी पॉडकास्ट होंगे, आपके जो भी एपिसोड्स होंगे, वो सभी वहाँ पे विजिबल हो जाएंगे, अवेलेबल होंगे, जिसको आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और डिफरेंट लोग जो आपको एक्सप्लोर करेंगे वो भी आपसे सुन सकते हैं। ऑलराइट गाइस, काफ़ी इजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एंकर है ये आप ऐप की मदद से भी कर सकते हो, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, और या फिर आप अपने पीसी से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, ठीक है। सबसे पहले साइन इन, अगर आपका पहले से अकाउंट है तो साइन इन जस्ट करना होगा, नहीं तो आपको साइन अप बटन पे क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले जैसे आपने अकाउंट क्रिएट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फुल नेम डालना होगा, अपना मेल आईडी डालना होगा, पासवर्ड सेट करना होगा एक, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, एंड आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन आ रहा है, तो अगर जो भी न्यूज़ एंड ऑफर्स आते हैं एंकर के द्वारा, अगर आपको चाहते हैं देन उसको क्लिक करें, या फिर आप इसको अनहाइड भी कर सकते हो, राइट, ठीक है। और उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करें एंड साइन अप पे क्लिक कर दें, फिर लिंक जाएगा आपके मेल पे, उस लिंक को वेरीफाई कीजिए और आप इस एंकर के प्लेटफॉर्म में आ जाओगे। जैसे आप अपना मेल डालोगे, अपना नाम डालोगे, अपना पासवर्ड सेट करोगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले ये कह रहा है कि बिफोर पब्लिशिंग एनी एपिसोड्स यू विल नीड टू वेरीफाई आप ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप अपना मेल पे जाएं और उसको वेरीफाई कर लें, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद ये आपका आइकन हट जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो जैसे मैंने वहां पे वेरीफाई किया, वो आइकन यहाँ पे हट गया, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या एक फायदा होता है एंकर का, बहुत ही अच्छा फीचर मुझे लगा ये, यहाँ पे आपको वीडियो के फॉर्मेट में भी यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन देता है, कि आप वीडियो के फॉर्मेट में भी यहाँ पे अपने पॉडकास्ट को अपलोड कर सकते हो। और ये जो है एंकर, ये ऑडियो फॉर्मेट में भी हर जगह पे आपको भेज देगा, जैसे स्पॉटिफाई पे हो गया, एप्पल पॉडकास्ट पे हो गया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ये शेयर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे कर सकते हो, सबसे पहला स्टेप होता है दोस्तों कि आपके पास एक माइक होना चाहिए, सिंपल सा, ठीक है। उस माइक को आप क्या कर सकते हो,
यूज कर सकते हो ताकि एक बेटर क्वालिटी आ जाए, ठीक है, आपके वॉइस में। ऑलराइट, तो करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले मेक योर फर्स्ट एपिसोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, एपिसोड्स यहाँ पे जो भी आपके एपिसोड्स होंगे वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपको न्यू एपिसोड क्लिक करना है, क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मेक योर फर्स्ट एपिसोड पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। लेट्स डू इट, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि करना क्या है। जैसे मैंने लेट्स डू इट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, कैसे आप अपने एपिसोड को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि आप यहाँ पे डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हो डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म से। इस प्लेटफॉर्म पे आपको माइक डालना होगा और यहाँ पे डायरेक्टली आप ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन भी है कि आप सिंपली एक ऑडियो या वीडियो आप रिकॉर्ड कीजिए, उसको एडिट कीजिए और सिंपली यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप ड्रैग कर सकते हैं अपने फाइल्स को फ्रॉम कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ब्राउज भी कर सकते हो और यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप वीडियो एपिसोड भी अपलोड कर सकते हो, जो भी आपके वीडियो एपिसोड्स होते हैं जो आपको पॉडकास्ट में डालना है वो सिंपली यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो और ये अपलोड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्री म्यूजिक भी देखने को मिलता है, साउंड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, और ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो जैसे मैं यहाँ पे कोई अपलोड करता हूँ सिंपल सा ऑडियो फाइल, उसके बाद यहाँ पे सेव ऑडियो पे आपको क्लिक करना होगा। मैं कुछ करके देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने सिलेक्ट किया अपना ऑडियो फाइल को, ठीक है, तो यहाँ पे आपका अपलोड होने लगेगा, इसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल लेंथ देखने को मिलता है और यहाँ पे प्रीव्यू एपिसोड करके आप चेक कर सकते हो कि जो आपका पॉडकास्ट है, जो आपका एपिसोड है, वो कैसा साउंड कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑप्शंस। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है कि यहाँ पे आप इस जो एपिसोड है ये बेसिकली, इस पे आप बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। तो आप अपने मूड के अकॉर्डिंग, यहाँ पे काम हो गया, क्यूरियस हो गया, ड्रामेटिक हो गया, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको म्यूजिक आ जाएगा, उसको आप सिंपली ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों सेव एपिसोड पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एपिसोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एपिसोड टाइटल का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी आपका एपिसोड है उस टाइटल का आपको वहाँ पे नाम डाल देना है। तो सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे फर्स्ट है मेरा, तो फर्स्ट एपिसोड में दे रहा हूँ। अभी ये सिंपली मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा था। तो यहाँ पे हो गया, एपिसोड का डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया, ऑडियो डाल दिया, एडिट कर सकते हो यहाँ से भी आप। पब्लिश नाउ पे क्लिक करेंगे तो पब्लिश हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया बातें। अब उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा मुझे दोस्तों। ऑलराइट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आता है। यहाँ पे आपको अपना पॉडकास्ट जो आपका ब्रांडिंग होगा वो यहाँ पे काफी ब्यूटीफुली आपको डिजाइन करना होगा दोस्तों। ऑलराइट, सबसे पहले आपको अपना पॉडकास्ट का नाम सेट करना होगा। जैसे अगर मेरा, अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जैसे द नीरज शो, द नीरज टॉक्स और द नीरज पॉडकास्ट, कुछ भी, मतलब एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, तो आप कुछ भी मतलब क्रिएटिव बने थोड़ा सा और बढ़िया सा नाम डालें। ऑलराइट, अपने पॉडकास्ट का डिस्क्रिप्शन डालें कि किस टाइप का आपका पॉडकास्ट होने वाला है। यहाँ पे आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो दोस्तों कि कौन सा लैंग्वेज में है आपका पॉडकास्ट। हिंदी में है तो हिंदी चूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। पॉडकास्ट का कैटेगरी चूज कर सकते हो कि आपको बिजनेस रिलेटेड बनाना है, कॉमेडी से, एजुकेशन से रिलेटेड बनाना है, या फिर हेल्थ, हिस्ट्री, गवर्नमेंट से रिलेटेड, किड एंड फैमिली से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड आपको बात करना है, साइंस से रिलेटेड बात करना है, आप यहाँ पे चूज कर सकते हो अपने कैटेगरी को। और उसके बाद जैसे मैं कुछ भी रैंडम सा चूज कर लेता हूँ, ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे उसके बाद तो प्रोफाइल आपको यहाँ पे सेट करना होगा कि अगर आपका नाम आता था नीरज शो, तो उसके बगल में जो प्रोफाइल होता है वो आपको कैसा दिखना चाहिए। तो आप सर्च फॉर फोटोज कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो अपने कंप्यूटर से जो आपने डिजाइन किया है, या फिर चूज वन फॉर मी, ठीक है। तो एक रेंडम सा ये ऑटोमेटिक आपको एक ये चूज करके दे दिया है। तो आप यहाँ पे जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको भी रहने देता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको देखने लगा, यहाँ पे आपको फॉन्ट
का टाइप यहाँ पे चूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो द नीरस शो है वो यहाँ पे आपको अलाइन होते हुए दिख जाएगा, ठीक है। ये अभी लोड हो रहा है, देखिए द नीरस शो यहाँ पे आ गया है। मैं अपना इसका लोकेशन को सेट कर सकता हूँ, साइड में होना चाहिए या मिडल में होना चाहिए, ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कलर चूज कर सकते हो कि कलर कौन सा होगा, व्हाइट होगा या ब्लैक होगा या ब्लू होगा। तो ये कलर मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है, ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पे आपको एंकर का लोगो देखने को मिल रहा है, तो उसको आपको हटाना है, तो आप ये हटा भी सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आपने देख लिया, ठीक है, कलर आपका हो गया। आप कलर और भी चूज कर सकते हो, जैसे आपको कोई दूसरा कलर पसंद आ रहा है, जैसे रेड पसंद आ रहा है, तो आप यहाँ पे रेड भी चूज कर सकते हो। फॉन्ट भी देख सकते हो आप, इतने सारे फॉन्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। मैं कभी कोई रेंडम सा फॉन्ट चूज करता हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आपने देखा है, आपने यहाँ तक पॉडकास्ट को देखा, एडिटिंग कैसे कर सकते, सब कुछ देखा आपने, तो लाइक कीजिए, ठीक है, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। अब उसके बाद अपडेट कवर आर्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये जो है द नीरस शो का जो आर्ट है, ये कवर आर्ट आपका अपलोड हो जाएगा। तो द नीरस शो के बगल में ये आपको आर्ट देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे आपने ऑडियो डाला अपना, फिर अपना ऑडियो का डिटेलिंग किया, किस दिन पब्लिश करना है वो किया, फिर अपना एक पॉडकास्ट का कवर आर्ट सेट किया, नाम डाला, इतने सारे स्टेप्स करने के बाद फाइनली जो हमारा होगा वो पब्लिश का सेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कवर आर्ट था आपका, जो एपिसोड था मेरा पॉडकास्ट, यहाँ पे आपका द नीरस शो रहेगा, मतलब बेसिकली आपका पॉडकास्ट का नाम होगा, पॉडकास्ट का डिस्क्रिप्शन नीचे होगा, फिर आपका जो पहला एपिसोड होगा एपिसोड 1, तो जो आपने अपलोड किया था वो यहाँ पे आ जाएगा, और इस बटन के थ्रू सब लोग प्ले कर सकते हैं। तो जैसे मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, ये ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाएगा दोस्तों, और पब्लिश करने के बाद आप ये पॉडकास्ट शेयर कर सकते हो शेयरेबल लिंक के साथ, और हर जगह पे फैला सकते हो, राइट दोस्तों। तो कैसा रहा आज का वीडियो, कितना कम टाइम में हमने आपको सिखा दिया कि कैसे आप पॉडकास्ट क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप एक प्लेटफॉर्म की मदद से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे होस्ट कर सकते हो अपने सभी एपिसोड्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियोज में।